सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्गों एससी एसटी ओबीसी इनके इनकी चर्चा ही शिक्षा नीति के अंदर नहीं की गई। देश की आधी से ज्यादा आबादी को क्या वर्णन शिक्षा नीति 2020 में है ही नहीं। शिक्षा नीति में शैक्षणिक संस्थानों में दलित आदिवासी ओबीसी इन बच्चों के लिए विशेष आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में काम करने वाले कर्मचारी। शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को शामिल करने या कोई लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके आधार पर यह कहा गया है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी शिक्षा के अंदर आने वाले बच्चों का औसत अनुपात 26% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा ऑनलाइन शिक्षा और डिस्टेंस लर्निंग के चलते। पर क्या मोदी जी और भारत सरकार को, भाजपा सरकार को यह मालूम है कि इससे देश में गरीब के बेटा और बेटी, मध्यम वर्गीय लोगों के बेटा और बेटी और अमीरों के बीच एक नया डिजिटल डिवाइड पैदा हो जाएगा, जैसा कोरोना 19 में ऑनलाइन शिक्षा में हमने देखा के वंचित वर्गों के गरीबों के 70% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का लाभ नहीं उठा पाए क्योंकि या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। मोदी जी, क्या आप जानते हैं कि इस ऑनलाइन शिक्षा के आधार पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने से गांव और शहर के बीच भी एक नया डिजिटल खाई पैदा कर रहे हैं, क्योंकि गांव में इंटरनेट की सुविधा, स्पीड और कंप्यूटर की उपलब्धता न के बराबर है आज भी। तो ऐसे में गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े, वंचित, मध्यम वर्गीय, साधारण परिवारों के बेटे और बेटियों का क्या होगा।